Hello viewers, now we will do the most important short answer type questions for the second part of Lost Spring. The first question is, how is Mukesh different from his companions? Mukesh apne companion se kaise alag hai? Mukesh, like his companions, is born in a poverty stricken family in the caste of bangle makers. जैसा कि हमें पता है, मुकेश और उसके साथी ऐसी फैमिलीज़ में पैदा हुए हैं जो गरीबी की चपेट में हैं, और उनके पेरेंट्स जनरेशन्स ऑन जनरेशन्स सिर्फ बैंगल मेकिंग का बिज़नेस करते आए हैं. डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, ही इज़ फोर्स टू लीड ए लाइफ ऑफ टॉयल नियर ग्लास फर्नेसेस. एजुकेशन की कमी की वजह से उनको ऐसी मेहनत कश जिंदगी बितानी पड़ती है जो गर्म भट्टियों के नज़दीक है. बट अनलाइक हिज कंपेनियंस, द स्पार्क हैज नॉट एक्सटिंग्विश्ड. उसके जैसे दूसरे बच्चे बहुत आसानी से उस बिजनेस में ढल जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में चमक है जो अभी बुझी नहीं है. ही डेयर्स टू ड्रीम अ डिफरेंट लाइफ एंड विशेज टू बिकम अ मोटर मकैनिक. वो हिम्मत करता है एक डिफरेंट सी लाइफ लीड करने की, और चाहता है कि वो एक बैंगल मेकर ना बनके एक मोटर मैकेनिक बने. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई कांट द बैंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव. बैंगल मेकर्स को जब ऑथर सुझाव देती है कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? Answer is lack of awareness, education and extreme poverty has brought down the enthusiasm of the younger generation in Firozabad. वहाँ awareness की कमी है, जागरूकता नहीं है, education की भी कमी है, और असीम गरीबी ने उनके सारे spirit को, सारे energy levels को नीचे ले आए हैं. जो यंगर जनरेशन्स हैं वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय इस चीख पुकार के कि उनके पास बिजनेस को कैरी करने के लिए पैसा नहीं है. दे फियर द रैथ ऑफ पुलिस एट द थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, एंड अनफॉर्चुनेटली देर इज़ द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लीडरशिप. उनके बीच कोई अच्छा लीडर नहीं है, और पुलिस का जो बिहेवियर है वो सोचते ही वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं कि वो कभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना पाएंगे. मोर ओवर द फियर ऑफ शार्क्स लाइक साहूकार्स, मिडलमैन एंड पॉलिटिशियंस इज़ अ बिग ऑब्स्टेकल. उसके अलावा जो बड़े बड़ी शार्क्स उनके सामने बैठी हुई हैं, वो साहूकार्स जिनसे उनके पेरेंट्स ने कभी पैसा लिया था, जिसका ब्याज वो आज तक चुका रहे हैं, वो मिडलमैन जो बैंगल्स को मार्केट में बेचते हैं मैक्सिमम अपना प्रॉफिट रख के, और पॉलिटिशियंस जिन्होंने उन सबको ऐसा करने का मौका दिया है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है उनकी प्रोग्रेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री. ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए क्या खतरे हो सकते हैं? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक फैसिलिटीज़ मेक फिरोज़ाबाद्स बैंगल इंडस्ट्री वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड. फिरोज़ाबाद जैसी सिटी में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका सिस्टम है और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत ही ना के बराबर हैं, इसलिए पूरी इंडस्ट्री बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है. द प्लेसेस नियर फर्नेसेस आर पुअरली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड. जहाँ पर हाई टेम्परेचर्स की भट्टियाँ हैं, वहाँ पर ना तो प्रॉपर रोशनी है और ना ही हवा का कोई साधन. डिंगी हटमेंट्स, हाई टेम्परेचर्स मेक चिल्ड्रन एंड वेमेन वल्नरेबल टू द लॉस ऑफ आई साइट एट अ प्री मेच्योर एज. छोटे छोटे झोपड़ियाँ
जहाँ ना हवा है ना पानी है, हाई टेम्परेचर्स फर्नेसेस के आसपास, बच्चों को, फीमेल्स को और आसपास सभी काम करने वाले लोगों को एक ऐसी स्थिति में ला देते हैं जहाँ पर वो बहुत कम एज में अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। गेटिंग बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स इज बोथ डेस्टिनी एंड अ कर्स, एक्सप्लेन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा होने के बाद कैसे वो चीज़ उनका भाग्य और उनके लिए एक अभिशाप बन जाती है। टेकिंग बर्थ इन फिरोजाबाद इन एक्सट्रीम पुअर कंडीशंस, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी फोर्स द चिल्ड्रन टू टेक अप द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग एट एन अर्ली एज। फिरोजाबाद की बहुत बुरी कंडीशंस, एजुकेशन का कोई मतलब नहीं और कोई ऐसा मौका नहीं कि बच्चे कुछ और प्रोफेशन चूज़ करें बजाय बैंगल मेकिंग के, और वो भी बहुत कम उम्र में। देर इज़ लैक ऑफ इनिशिएशन एंड एक्सप्लोरिंग एनी अदर अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। जिस उम्र में बच्चे अपने एम्बिशंस को एक शेप देते हैं और बहुत सारे रास्ते खोजते हैं कि वो अपने करियर को किस मोड तक ले जाएंगे, ऐसा कोई मौका उन लोगों को मिलता ही नहीं है। दे एंड अप लूजिंग ऑल एंथुसियाज्म एज वेल एज आई साइट। न केवल वो ताकत का सोर्स उनके लिए नहीं रहता, बल्कि वो अपनी आँखों की रोशनी भी खो देते हैं।